ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, मिनिस्ट्री ऑफ फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सेक्रेटरी अनीता परवीन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी एस कृष्णन ने हिस्सा लिया और NIFTEM के डायरेक्टर और हरिंदर सिंह ओबेरॉय भी कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर NASC में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और साथ ही डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबेरॉय इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। साथ ही दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर NASE में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबेरॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। NACS now being used almost everywhere, and if we have to combine AI with the supply chain, for example, now we need to, like, all of us use mobiles. If I have a decision support software on my mobile which tells me that the produce that is coming from Karnataka or from any other southern state has reached this particular place and it is not in a good condition, it has to be disposed of, otherwise the entire produce, entire lot will go bad, it will rot. So I can make a decision and maybe shift it to a place where it can be used optimally. And AI also has a role to play to develop certain systems which can detect the food safety parameters, like the adulterants and the contamination or the factors which pose a food safety risk. Give one example. For example, apple is produced in temperate region. If we transport that apple and bring it to Delhi and store here, lot of energy will be needed, and energy always have footprint for climate change. Instead, if you store that apple in Kashmir Valley or in upper reaches of Himachal Pradesh, in the natural environment that storage will happen. So this is one of the way that how you plan your investment in storage so that the impact of storage on climate change is minimized. So like this, there can be many other examples. हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी नेता रणजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश विदेशों में नाम जाना जाता है। मोदी जी ने देश में काफी विकास कार्य किए हैं और भारत को हर प्रगति पर पहुंचाने का काम किया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और नलवा से हमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में डालना है और रणजीत चौटाला को जिताना है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव गांव के टूर किए, रणधीर को सब गांव में, नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे, वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे के करनो है, मैंने कर अभी थे कुछ मैंने के करनो है, खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना के भाई तारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का तो था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले, कोई तमिलनाडु तक जाना हो तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुने तो रणजीत जी की
मजा भी है पूरा काम हो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको ये कहूंगा कमल के बटन पे बटन दबा के यहां से जबरदस्त लीड दें, यहां से चुनाव में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। पच्चीस मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों के किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे, और जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर से वोट करने की भी अपील की। ऐसे में केंद्र सरकार ने विकास के तमाम कार्य कराए, और लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। लोग इस वहम के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे, जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था, तो लोगों के समझ में आई है। इंद्री के बड़ा गांव में राज्यसभा सांसद कार्ती शर्मा इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप ने करनाल लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में जनता से वोट की, और साथ ही अपील की आने वाली 25 मई को कमल के फूल पर बटन दबाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर लाल को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा बड़ा गांव में आकर, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा गांव में बहुत प्रचंड बहुमत से इस बार लीड मिलेगी, और पूरे करनाल संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से सारे रिकॉर्ड टूट गए, मनोहर लाल जी जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस का विवाद किसी छुपा नहीं है, ये बात तो आप सबको भी पता सार्वजनिक तौर पे कि आंतरिक लड़ाई कांग्रेस में चरम सीमा के ऊपर है, और ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको कम से कम जनता को तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उनको तो पता होना चाहिए कि वो किस तरह बैठ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ गाँव में पहुंचे हैं बड़े गाँव में, तो देखिएगा उनके, देखो लोगों ने कितने प्यार से कितना उनका भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं गांववासियों को धन्यवाद करता हूं। और हमारे सांसद जी जो है लोगों से वोट देने की अपील भी करी है, मनोहर जी को तो अभी ने आश्वास भी दिलाया, तो मैं कह सकता हूं बड़े गांव से जो है भारी बहुमत से जो है हमारे जो कैंडिडेट है मनोहर जी जीत कर जाए। फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और इसी बीच वो फरीदाबाद के बुडेना गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश कमेटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखन सिंगला ने जनसभा आयोजित की, और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जनसभा में पहुंचे, और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस कमेटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष लखन सिंगला ने कहा कि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को गांव हो या फिर शहर, लोगों का समर्थन मिलने जा रहा है। किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। देखो एक बात है मेरी, इतना ही कहना चाहूंगा, यदि फरीदाबाद के अंदर राम राज लाना है तो महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और करप्शन मिटाना है तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। और आपको बता देता हूं, 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 70 से 75 कांग्रेस की सीट आएंगी।
बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने गांव लीलस का दौरा किया और दावा किया गया कि बीजेपी 400 पार का नारा सिद्ध करके दिखाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को चला हुआ कारतूस की संज्ञा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात करती है और साथ ही जबकि बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की की बात करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्यार उत्साह लोगों का देखने को मिला। गांव के बाहर से ट्रैक्टर मोटरसाइकिल फूलों की बारिश जैसे हमेशा प्यार देते हैं पिताजी को, वैसे ही मुझे भी देते आए वो दे रहे हैं आज। और इन लोगों का जोश देख के मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत बढ़िया मार्जिन से भाई धर्मवीर जी यहाँ से जीत के निकलेंगे। रानी आपका भी कर्म भूमि रहा है तो इस बार के चुनाव किस प्रकार से देखते हैं आप और कितनी मार्जिन समझते हैं आप? देखिए बहुत बढ़िया मार्जिन है, भिवानी मेरे परिवार कर्म भूमि है, परमात्मा इसे मुझे पक्की वाली ताकत देंगे तो भिवानी के मेरे साथियों का एहसान भी उतारूंगा। लेकिन सभी मेरे भिवानी के साथियों को, भिवानी महेंद्रगढ़ के जो हमारे साथी हैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि भाई अगर आपके मन में थोड़ा सा भी स्नेह मेरे लिए है तो भाई धर्मवीर जी को भारी मतों से आप। फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने मतदाताओं से अपील की है और जब वो भी वोट डालने के लिए जाएं तो अपना मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर ना जाएं। हालांकि बूथों पर ऐसे सामान को रखवाने के लिए व्यवस्था भी की गई है। यदि बूथ पर किसी भी मशीन में कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व में रखी गई मशीनों को तुरंत बदल दिया जाएगा और इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी परेशानी उनको वोट डालने में ना आए। तो बिल्कुल ही जो चुनाव आयोग ने अब की बार कई पोर्टल और कई एप्स लॉन्च करी हैं तो वोटर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, चाहे आप 1950 पे भी फोन कर सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है या पोर्टल भी है तो वहां पे जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड का जो आपका नंबर है तो वो डाल के अपनी वोट की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। कितनी पार्टी? तो जैसे जो हमारे बूथ हैं 1572 हमारे बूथ बने हैं तो इसके लिए हमने 1572 प्लस 16% का भी रिजर्व रखा है तो 116% के हिसाब से हमने पार्टी बनाई। भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जिला भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं ईवीएम वीवीपैट और साथ ही पोल आरंभ होने से समाप्त तक पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रमन शालिंडे ने बताया कि पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र की स्थापना, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ तालमेल, मशीन के सही संचालन, मतदाताओं के लिए सुविधाएं आदि का संचालन करना होता है, इसलिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। महाविद्यालय में 59 भवानीखेड़ा के लिए माननीय एआरओ साहब के गाइडेंस में हमने यहां पर आज चुनाव का प्रशिक्षण दो पायलट रिहर्सल के बाद जिसको कहते हैं दो पहला सेशन दिया है जिसमें हमने लगभग 280 लोगों को आज अभी ट्रेंड किया है और इस तरीके के हमारे चार सेशन यहां पे पोलिंग पार्टी के होने हैं और जो कुल बूथों की संख्या है वो 229 है जिसके लिए हम लगभग 1008 के आसपास लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। और हम 59 भवानीखेड़ा जो हमारा क्षेत्र है उससे हम प्रेजाइडिंग की और अन्य जो हमारी पार्टी हैं सहयोगी पार्टी के सदस्य उनको एक यहाँ ट्रेनिंग के लिए सेकेंड रिहर्सल के लिए बुलाया गया था और यहाँ रमन सर ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है जिसमें थ्रू आउट हमें शुरू से लेकर के और पोल के एंड तक की जो प्रोसेस है उसको वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया और हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कोई समस्या आ सकती है उनका भी प्रश्न उठाते हुए उनका समाधान किया है और बहुत ही अच्छा जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी जिसके लिए हम इनका आभारी हैं। 69 भवानीखेड़ा के तहत और आज जो ट्रेनिंग दी गई है वो आदर्श महिला कॉलेज के अंदर दी गई है और जो इलेक्शन से संबंधित हमारे को जो मशीन के बारे में बताया गया है थरो एंड प्रॉपर चैनल के
वो हमारे को सही और सही तरीके से बताया गया है, वो हमने सीख लिया है मशीन को कैसे जोड़ना है, कैसे मॉक पोल कराना है, कैसे इलेक्शन को सुचारू रूप से कराना और कैसे इनको सही ढंग से निष्पक्ष बिना किसी के डर भय के सुचारू रूप से इलेक्शन को कराना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।